तो गाइज, आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर इंडियन आर्मी का फॉर्म भरते हैं या एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड नहीं हो रहा, ऑथराइजेशन फेल्ड हो रहा है, ईमेल पे ओटीपी नहीं आ रहा, एसएमएस में ओटीपी नहीं आ रहा, तो क्या करना है? सारे प्रोसेस बताऊँगा। तो मैं यहाँ पर पहली बात करना चाहूँगा कि एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड नहीं हो रहा तो क्या करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पहली बात कि अगर डाउनलोड नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर दूंगा। जी हाँ, हेल्पलाइन नंबर दूंगा। आप बोले कि हेल्पलाइन नंबर आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, मेरे दोस्त का भी ऐसा ही प्रोसेसिंग हो गया था। फिर मैंने साइबर कैफ़े गया था तो वहाँ पर ये नंबर मेरे को प्रोसेसिंग बताया, तो मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, और वो भी ऐसे ही डाउनलोड किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको गूगल पे आना है सबसे पहले, और यहाँ पर आर्मी NIC जो होता है आपको उसके वेबसाइट पर जाना, और डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है, और यहाँ से आपको ज्वाइन क्लिक कर देना। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या रहता है कि इसका सर्वर रहता है गाइज, ये सबसे ज़्यादा बग करता रहता है। अब देखिए, क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड करते रहे होंगे और यहाँ पर एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं होता होगा, क्योंकि इसका सर्वर है बहुत स्लो चलता है, इसके कारण यहाँ पर डाउनलोड भी नहीं हो पाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइज, हम आ गए हैं वेबसाइट पे, army.nsc.in पे। तो गाइज देखिए, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ डेस्कटॉप मोड में। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो या एनी कोई अप्लाई कर रहे हो, देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करते होंगे आपको पता होगा कि इस प्रोसेस तक जाते हैं, और यहाँ पर जो है आपको अप्लाई लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ से आप डाउनलोड भी करते होंगे, और यहाँ से आपको ना ऑथराइजेशन फेल, ईमेल फेल, आधार कार्ड फेल, ये सारे प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए, मैंने जो सीखा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो करना क्या है आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फिर आप भूल जाइए कि क्या बता रहे थे भाई। यहाँ पर देखिए, कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है, आपकी आड़ोस से हैं, यहाँ पर हर एक डिटेल मिल जाएगा आपको, और क्या करना है यहाँ पर मैं सारे प्रोसेसिंग बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यदि आप JCO या अग्निवीर पंजीकरण हेतु कोई भी समस्या होती है, कोई भी समस्या होती है, तो आप यहाँ पर या तो ईमेल कीजिए गाइज यहाँ पर, या फिर यहाँ पर आप कॉल कीजिए। यहाँ पर देखिए, कॉल कीजिए। अब देखिए, आप कहाँ से आते होंगे, हरियाणा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, सारे वहीं पे हैं, राजस्थान, जहाँ से हो, पंजाब, जहाँ से भी हैं आप। तो मैं देखिए बिहार से हूँ, और बिहार से यहाँ पर कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा। अब मैं कॉल लगाऊंगा, यहाँ पर देखिए आपको दिखा दूँ, यहाँ पर बिहार कहीं पे होगा। तो गाइज, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर गाइज, तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार झारखंड है, बिहार झारखंड वाले नंबर पर मैं कॉल लगाऊंगा। यहाँ पर हम लोगों का दानापुर लिखा हुआ, इस पर क्लिक करूँगा, और गाइज यहाँ पर देखिए आ गया कटिहार, कटिहार। अब यहाँ पर हमको एक नंबर मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ये नंबर मिल रहा है, इस नंबर पे हम कॉल लगाएंगे। ये देखिए ट्रू कॉलर भी आ चुका है, और यहाँ पर मैं कॉल लगा लूँगा, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आरओ कटिहार भी आ रहा है, यहाँ पर आरओ कटिहार भी आ रहा है। तो मैं यहाँ से हेल्प ले सकता हूँ, या फिर आप यहाँ से कॉल लगा के ले सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये नंबर यहाँ पर ट्रू कॉलर पर दिखा रहा। तो अब देखिए, यहाँ से फिर आऊँगा, बैक आऊँगा। अब देखिए, दानापुर जैसे था ना, यहाँ पर अब दानापुर के आगे एक नंबर और शो कर रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से इस सारे नंबर पे कॉल लगा सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, और या फिर यहाँ पर दानापुर लिखा हुआ है, इस नंबर पे क्लिक करना है। तो इस नंबर पे मैं क्लिक करके आपको कॉल लगा के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, दानापुर आ चुका है ना। अब देखिए, मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि मेरे दोस्त भी गए थे साइबर कैफे में, तो वहाँ पर सारी प्रोसेसिंग बताया, जान पहचान के थे, तो वो भी ऐसे ही डाउनलोड करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर सर्वर प्रॉब्लम रहती है तो वो डाउनलोड नहीं कर पाता। तो यहाँ से ना कॉल लगाएंगे ना, यहाँ से लोगों को प्रोसेसिंग बता दिया, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल लगा लीजिएगा, और ज़्यादा दिक्कत तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने भी जैसे देखा मैं आप लोगों को बता दिया।
तो गाइज कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए गाइज, नो प्रॉब्लम।